खबरें वही जो दिखे सही। अब झूठे आश्वासन से कोई चुनाव नहीं जीत सकेगा। कुर्ला में शुरू हुई कांग्रेस राकपा की संयुक्त प्रचार सभा। प्रिया दत्त इस बार इस उत्तर मध्य मुंबई से कांग्रेस की उम्मीदवार है और अपनी सादगी से खासा लोगों में भी लोकप्रिय है। बांद्रा, पारला, कालिना और कुर्ला क्षेत्र से मिल रहे प्रतिसाद और जन समर्थन से प्रिया दीदी की राह आसान लगने लगी है। अब जनता की बारी है, प्रिया दत्त हमारी है, यह नारा गूंजने लगा है। ऐसे में राकपा के दिग्गज नेता नवाब मलिक और उनके सहयोगियों का समर्थन कांग्रेस की फतेह में यकीनन कारगर साबित होगा। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि बीजेपी के जो लहरें कम हो गई है, लोगों को पता चल गया है कि वो असलियत क्या है। और अभी बहुत सारे लोग कांग्रेस का जो गठबंधन है, सब पार्टियां एक साथ मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है और हमें पूरा यकीन है कि ये समय कांग्रेस जीत कर आएगी। और हम लोग आज प्रिया दत्त जी के लिए इकट्ठा हो गए हैं और लोगों में बहुत जोश है कि प्रिया दत्त जैसे नेता हमारे लिए है अभी और कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। सभा में राकपा के नगर सेवक कप्तान मलिक, डॉक्टर सईदा के साथ साथ कांग्रेस के प्रिया दत्त जी पाएंगे की मेरी बात बना पाएंगे। मुझे 100% उम्मीद है कि प्रिया दत्त आएंगे, क्योंकि जहां तक कांग्रेस का ही ज्यादा शोर है, क्योंकि बीजेपी आगे कुछ उतना वो नहीं किए, तकलीफें दी हैं दूसरे को, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कांग्रेस जहां प्रिया दत्त ने नए उम्मीदवारों को सोच समझ कर वोट देने की अपील की थी, वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकपा के वरिष्ठ नेता श्री नवाब मलिक ने परिवर्तन के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी प्रिया दत्त को जिताने की बात की। क्योंकि मतलब जो पब्लिक है, पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस आ रही है कि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए क्या किया इन 5 सालों में। उन्होंने जितना पब्लिक के साथ जो हर मतलब जो पब्लिक को फेस करना पड़ा उसके बाद तो ये खुल्लम खुल्ला है, वन साइडेड ही वोट होगा इंशाल्लाह। और प्रिया दीदी और कांग्रेस ही इस बार राहुल गांधी ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मेरा कुर्ला पश्चिम की इस प्रचार सभा में हाजारों की संख्या में बीजेपी सरकार है, उन्होंने झूठे वादे और जो झूठा सपना अच्छे दिन का दिखा है, और अभी लोगों को मालूम हो गया है कि ये सब झूठा है। इन्होंने काम का भी कुछ किया नहीं है 5 सालों में। सिर्फ लोगों को सिर्फ आश्वासन और झूठी बातें, या अभी लोगों को ध्यान आया है इसके लिए। अभी ये जो इलेक्शन है इसमें लोगों में अच्छी लहर है और कांग्रेस को जिताने के लिए सबके दिलों में जोश है, इसके लिए सब जन एक हो गए और प्रिया दीदी के सपोर्ट में हम लोग उनकी आज रैली है, सभा है, उधर हम लोग इकट्ठा जाके उनको सपोर्ट कर। भाजपा ने आज तक केवल अच्छे दिन के वादे किए, पुराने नेता मैदान में खड़े हैं। तो प्रिया दत्त जी एक पुराने और दिग्गज नेता रहेंगे यहाँ से, तो उसके बारे में अब फिर से आप लोगों का नेतृत्व यहाँ से कर रही है, तो आप लोगों का क्या है? देखिए ऐसा है, प्रिया दत्त जी के बारे में तो हिंदुस्तान के और भाजपा के सारे लोग जानते हैं। पिछले जब 5 साल पहले एमपी थे उस वक्त बहुत कुछ काम कर चुके हो, सेंट्रल के काम हो, बाकी जो लोकल के काम हो वो काम करे। प्रिया दत्त के काम के बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है, माहौल इतना बेहतरीन बन चुका है। अभी मोदी जी ने 5 साल के अंदर देश को कहां पर लाके छोड़े कि हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है, और भी स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और यहां से नॉर्थ सेंट्रल से मैं समझता हूं कि अच्छी बड़ी लीड से ज्यादा बड़े ढंग से जीत के कमा। मोदी की लहर ने भाजपा के उम्मीदवार को पिछले चुनाव में जिताया था, लेकिन अब जनता सावधान है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रिपाई और कांग्रेस के घटक दलों की यह चुनावी सभा प्रिया दत्त को फिर से अपने क्षेत्र की सांसद बनाना चाहती है। हालांकि प्रिया दत्त जी इस चुनावी सभा में अनुपस्थित रही, लेकिन अब छोटी जुमलेबाजी नहीं बल्कि काम करने वाली नेता को ही मौका मिलेगा, यह यहां की जनता ने स्पष्ट कर दिया। आगे कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रिया दत्त को यहाँ से मिल रहे भरपूर जन समर्थन से मौजूदा सांसद की नींद उड़ाने का काम। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।